अमांता बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, वो अंडोबा वाली। रश्मिका भी आती जाती रहती है। ये कौन आ गए? क्या कर रही है? सुबह सुबह शोर शराबा शुरू। क्या हुआ शीला? वो भाभी भूत भूतिया भाभी का भूत, भाभी भूत बन गई। ए ललिता क्या हुआ? शीला भाभी, ये क्या हो गया? भाभी देखना क्या हो गया, कैसे हो गया? पता नहीं मुझे, तुझे पता कैसे हो गया? मुझे भी नहीं पता। ए शांत, पहले शीला फिर ललिता, दोनों माँ बेटी ने पूरा घर सिर पे उठा लिया। आपकी बहू के अंदर चुड़ैल आ गई है। हाँ, लाल साड़ी वाली चुड़ैल, साथ ही साथ उसके दोनों हाथों में आग के गोले, और वो ऐसे करती है। डर गई ना, डर गए ना आप? ये तो मैं कर रही हूँ, वो कैसे कर रही होगी आपको यकीन भी नहीं। हाँ पापा, भाभी को मैंने इतने खतरनाक अंदाज में कभी नहीं देखा। भाभी का ये अवतार बहुत भयानक था, मेरी तो पानी 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 हो गई। क्या हुआ सुषमा, इतना क्यों डर गया? डर के सम्राट, क्या कर रही थी तू अंदर? नहीं, क्या कर रही थी? सासू माँ, अभी आपके ऊपर से इतना बड़ा खतरा टल गया, इसी की वजह से माँ ने मुझे खतरा पका टोटका बताया था। ये टोटका जो हम करते हैं ना, तो कोई भी खतरा सासू माँ के ऊपर नहीं आता। अभी आगे से आपके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा। पर आपने अधूरा ही छोड़ दिया टोटका, बस एक और बार करना था, भाग गई वो। अभी कभी भी आ सकता है खतरा। कितनी बार मैंने तुझे मना किया है, ये अपना टोटका है, टोटका अपने पोटली में बांध के रख दे, हमारे ऊपर करने की क्या जरूरत है? सुन भाई, मैंने कहा है ना, टोटके जरा कम कर दो। भाभी, आपके यहाँ टोटके छोटके बहुत हो गए, कोई जरूरत नहीं इनकी। ससुर जी, मैं सबके भलाई के लिए टोटके छोटके करती हूँ। तेरी भलाई गई भाड़ में। ये देख, अगर तूने मेरे ऊपर फिर से मुझे बताए बिना टोटका किया, तो तेरी ऐसे धुलाई करूंगी। भाई 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 ससुमा, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। तू कभी सोचती है हमारे बारे में? बता बता। मैंने कभी आपका बुरा नहीं सोचा। ये सोचती नहीं, ये सोचती नहीं, बिन बताए शुरू हो जाती है। अगर इसके टटके की वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? मैं आपके भलाई के लिए कर रही थी। भाभी माफ कीजिए, पर मैं ऐसे टोटके चोटकों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती। देख, तेरा विश्वास नहीं होगा, पर मेरा बहुत विश्वास है। मेरी माँ हमारी पूरे गांव की चटकी नंबर वन। ललिता, हम सबकी भलाई के लिए करते हैं टोटका। अभी सासू माँ के ऊपर फिर से कोई खतरा ना आए, इसलिए मैं कर रही थी। टोटका नंबर 101, खतरा भगाओ टोटका। शांत बैठ और अपने काम कर। हाँ करती हूँ। कॉफी पीनी आपको? नहीं चाहिए मुझे तेरे हाथ की कॉफी। ससुर जी, आपके लिए चाय? मेरे लिए चाय लाओ। ठीक है, लाती हूँ। ध्यान से पीना है चाय। चाय लाएगी ऐसे करेगी सारा मुंह पे उड़े। क्या हुआ ससुमान? इनको देखिए क्या हो गया। बेटा, तेरे टोटके का अंजाम है, जरा हंस तो। चुड़ैल जैसा हंस, चुड़ैल जैसा टट्टा करते वक्त हंसती है ना। चाय पियोगे? चलो, कुछ तो काम है तेरा टटका। उठ बेटा उठ। क्या देखे बेबी? पहले बाहर तो जाते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या देखना है। हेलो शर्वरी। हेलो, कहीं पे जा रही हो? कहीं नहीं।
है शर्वरी। झूठी बोल रही है, कहीं नहीं जा तो रही है। कहाँ चल रही? कहीं नहीं, बस ऐसे है। कुछ भी कहो, शर्वरी जैसे चाल किसी की ना। अभिजीत, शर्वरी कहाँ जा रही है? मुझे भी नहीं पता जेनी, वो कहाँ जा रही है? तुमको भी नहीं बताया, so sad। मुझे लगा तुमको बताया होगा, because वो तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त है। शायद वो कुछ छुपा रही है। वैसे वैलेंटाइन आ रहा है, क्या प्लान है तुम्हारा? हमारा क्या प्लान होगा, हमारा तो सब कुछ हो गया, अभी इंगेजमेंट हो गया, बस शादी बाकी है। अच्छा, वैसे इस वैलेंटाइन तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा क्या प्लान होगा, मेरा तो कोई वैलेंटाइन ही नहीं है। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता है शर्वरी के लिए। धीरे बोलो, सुन लेगी वो। चली गई है वो, दिख रही है मुझे रास्ते पे ठुमकते ठुमकते जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है अभिजीत, ये देखो मौका बहुत अच्छा है, इस मौके को गवा मत देना। देखो प्यार की टीचर प्यार के लेक्चर दे रही है, खुद तो सेट हो गई, दूसरों को सेट कर रही है। अरे जेट पकड़ और निकल फॉरेन। यस ब्रो, अभी नहीं तक अभी नहीं। या अभी नहीं तक अभी नहीं। रॉकी को ही देखो, शर्वरी जैसी ब्यूटीफुल लेडी तेरे लाइफ में फिर नहीं आएगी। अब तक रहेगी हमारे यहाँ पे। राशन का कितना खर्चा आता है, साबुन का कितना खर्चा आता है, एक तो हमारे सब ब्रांडेड डबल डबल लगता है। क्या क्या किया उसने मेरे लिए, तुमने क्या किया शर्वरी के लिए? कुछ नहीं। ऐसा हाथ पे हाथ दे के मत बैठो, कुछ करो। अभी वैलेंटाइन का वीक कल से शुरू होने वाला है, उसको पहले गुलाब का फूल दो, तेरी दो, और क्या क्या होता है तुमने। अभी से चाटे खा रहा है, शादी के बाद तो लात घूसा सब खाएगा। सॉरी, इसने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसको साथ लेके जाओ, ये तुम्हें अच्छे से गाइड करेगा। यस आता हूँ मैं, जाओ जाओ उसको गाइड करो, जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आज हम जाते हैं फिल्म देखने। लेट्स गो। इसको काय को इतनी पंचायत है, ये काम तो मेरे है। वैसे अभिजीत, मैंने जो बोला उसके बारे में सोचना, वैलेंटाइन इज करीब करीब, देखो। बेटी चला। खुद बिगड़ गई, अब लोगों को बिगाड़ रही है। लोग बिगड़ जाते तो समाज बिगड़ जाता है, समाज बिगाड़ने के पीछे ऐसे ही जेनी जैसे लोगों का हाथ होता है। पहले अपना मुंह ठीक करो, बहुत बिगड़ गए। क्या बोली शशि बहन? हाँ कुछ कुछ नहीं। जेनी को देखा, कैसी एडवाइस दे रही फुसके को, क्या जरूरत है ऐसी एडवाइस देने की? गलत क्या बोला जेनी ने? शशि तो बोल रही है, अभी कब तक वो वेट करेगा? बराबर, अगर किसी के बारे में दिल में कुछ हो तो वो बता देना चाहिए। एकदम बराबर, मैं तो कहती हूँ हो जाए इनका प्रपोज। वैसे मेरी भी इच्छा है दोनों का हो जाए जल्दी से, मेरे चिप्स बहुत दिनों से इंतजार कर रहे इस बड़े वाले धमाके के लिए। इच्छा है ना तुम्हारी भी? हाँ। तो चलते हैं। कहाँ? अभिजीत बाबू के पास, थोड़े से उनके कान भरते हैं। ये बाबू शशि बहन, ये भी कोई पूछने की बात है, चलो चलो। शुभ चिंतक बन के आए हैं, उसकी चिंता हमें कम करनी है, चिंता बढ़ानी नहीं है। सुमित्रा, मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मेरी वजह से लोगों को कोई चिंता नहीं होती। पता है सबको कितनी चिंता बढ़ाती हो तुम लोगों की। बॉडीगार्ड को भगा दे। बॉडीगार्ड को तुमने निकाला है क्योंकि तुम्हारे जेब में पैसे नहीं। बॉडी आए बस बस अब। हेलो अभिजीत। ओहो हेलो आंटी। हेलो शर्मिला जी, हेलो सुमित्रा जी, हेलो शशि जी। अंदर आए क्या? चला गवाई आना, चला। कोई बात करनी है आपको? हाँ, ये देखा अभिजीत, हमको ना जरा इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुमसे। बोले ना, क्या बात है इम्पोर्टेंट? शर्वरी जी के बारे में। शर्वरी के? मुझे पता ही था। हाँ, लेडीज लोगों का कुछ लफड़ा हो गया होगा। लेडीज लफड़ा नहीं हुआ, तेरा और शर्वरी का लफड़ा है। हा? तेरा और शर्वरी का दोस्ती है ना? हाँ, बचपन से। हाँ, तो हम उस दोस्ती को बस नाम देना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इतने साल हो गए, फिर भी उनका रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं चला। हीरो हीरोइन के बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, सब बूढ़े हो गए, फिर भी ये रिश्ता क्या कहलाता है?
मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहती हो। अभिजीत ज्यादा भोला मत बन, जो भी तेरे दिल में है ना साफ साफ बोल दे। अभिजीत हम सब जानते तू शरवरी को पसंद करता है। नहीं 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 क्या नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं 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 हाँ हाँ बोल मित्रा। कैसे बोलू मुंह से? ये देख मैं कैसे बोलती हूँ, आ आ ओ ओ। ये देख अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है। वैलेंटाइन वेन देखते प्यार का हफ्ता। अभी एक 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 करके तू शर्वरी जी को सब कुछ दे ना? वो देते ना क्या होता है वो टेडी रोज चॉकलेट। हाँ वो सब तो ठीक है पर मुझे शर्म आती है। आई शर्म आती है? ले मैंने तो सुशु को रोज दिया था रोज डे पे। क्या बात कर रही हो सुमित्रा? हाँ मैंने दिया था उसको आगे बढ़ के रोज। ओ, तुम तो एक कदम आगे की निकली। मैं आगे की हूँ। आपका ये आगे, आपका वो आगे, आपका मुंह भी आगे। ये देखा बेटी साफ सीधी बात है, ये मौका काफी अच्छा है, इसको गवाने मत दे, नहीं तो उसको कोई और उड़ा के ले जाएगा। बराबर अभिजीत, तुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। देख हम बड़ी होने के नाते बताते हैं, तुझको करना चाहिए अभी, और कितना देर रुकेगा तू? वेल सेटल है, उसको भी लग जाएगी जॉब। पर उसको अगर गुस्सा आ गया तो? तू बस प्रपोज तो कर। कैसे हाँ बोलती है देख। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? हमको सब पता है, अभी हम लेडीज हैं, हमको लेडीज की लेडीज बातें सब पता होती है। तू बस प्रपोज कर दे, इतना काम कर, अच्छे से सोच ले, कहीं देर ना हो जाए बाबू, देर ना हो जाए। देख हम तेरी भलाई का सोच रहे, अभी सुबह ना एकदम सुबह पाटे 5 बजे के आसपास मुझे सपना पड़ा। क्या देखा अपने सपने में? शर्वरी जी की शादी हो रही है। मेरे साथ? नहीं नहीं किसी और ही लड़के के साथ, और शर्वरी जी बहुत खुश है। ऐसे कहते हैं ना जो जो सपने सुबह पढ़ते हैं वो सच हो जाते हैं। सुबह के सपने होते हैं सच, मेरे भी बहुत हुए हैं। जिस दिन मेरी और सुशु की शादी हुई थी ना, मुझे सपना पड़ा था कि मेरे ससुराल में एक बहुत बड़ी राक्षसी है, और शादी करने के बाद पता चला वो राक्षसी कोई और नहीं मेरी सासू माँ है। मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। मान ना मान, मैं तेरी मेहमान नहीं हूँ, तेरी मेहमान, पर करूंगी एक बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा मौका है, इसको गवा मत देना। चलो काम हो गया, बात हो गई, भाई एक बार सोचना, अच्छे से सोचना। सोच सोचा मेरे चिप्स के बारे में भी जरा सोच, बहुत दिन हो गए निकाले नहीं, सोचना अच्छे से अब।